सीतामढ़ी के कुख्यात अपराधी रहे राम कुमार उर्फ रामजी राय की विकास झा उर्फ कालिया के गैंग ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस घटना से सीतामढ़ी समेत उत्तर बिहार में हड़कंप मच गया है। घटना की वजह दोनों गैंग के बीच वर्चस्व बताई जा रही है। क्षेत्र के सगुना मोड़ की है, जब रामजी राय फोर्ड गाड़ी की सर्विस सेंटर पर बैठे थे, इसी दौरान बाइक पर सवार बदमाशों ने उन पर गोली बरसाई। गोली लगने से घटनास्थल पर ही रामजी राय की मौत हो गई। घटना के थोड़ी देर बाद ही विकास झा उर्फ कालिया गैंग के प्रवक्ता राज झा ने मीडिया को एक पत्र जारी कर घटना की जिम्मेदारी ले ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दी है। आपको बता दें कि रामजी राय पर सीतामढ़ी जिला कल्याण पदाधिकारी हत्याकांड, मुहरी नंदकिशोर हत्याकांड, व्यवसायी यतेंद्र खेतान हत्याकांड समेत दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है। आपको यह भी बता दें कि रामजी राय करीब 6 महीने पहले जमानत पर जेल से बाहर आया था और करीब 3 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। अभी सूचना मिली कि दानापुर थाना अंतर्गत के एफआईआर डॉट के सामने एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। सूचना सत्यापन में जब घटना स्थल पर पाए तो पाया कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में गिरे हुए हैं, जिसके शरीर से मिले हुए आधार कार्ड पहचान राम कुमार पिता राम प्रवेश राय जो डुमरा के रहने वाले हैं, थाना डुमरा सीतामढ़ी के रहने वाले हैं के रूप में की गई है। उनके परिजनों को सूचना दी गई है, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है तथा सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है।